तो इन्हीं तमाम कार्यक्रमों को समेटे हुए आज की इस सुबह आप सबको मुबारक। परम सम्मानीय प्राचार्य महोदय, मंच पर उपस्थित खास मेहमान एम चतुर्वेदी जी जो स्टेशन आईटी सेल से पधारे हैं, आपके साथ सार्जेंट जय प्रसाद जी भी उपस्थित हैं, डॉक्टर रामगोपाल जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित होंगे जो साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। तो इन सब अतिथियों का स्वागत करते हुए आप सबको एक बार पुनः सुप्रभात। हमारे आज के अतिथिगण और पर जागरूकता सप्ताह का बैनर है, भारत सरकार का की योजना है, प्रत्येक माह प्रथम बुधवार को साइबर जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। अब वर्ष भर ये कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। आप सबको मालूम है बच्चों, साइबर क्राइम किस तरह से बढ़ रहे हैं। हम सब सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर एक्टिव हैं, जुड़े हुए हैं, हम सबके लिए वो एक मूलभूत जरूरत बन गया है। ऐसे में अगर हम इंटरनेट का सही उपयोग नहीं जानते हों या साइबर क्राइम के शिकार हम हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है। दूसरा एक बैनर है मनोदर्पण, मेंटल हेल्थ से संबंधित, मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, खास करके विद्यार्थी जीवन में कई तरह के तनाव हैं, बढ़ती उम्र है उसका तनाव है, पढ़ाई का तनाव है, दोस्तों के साथ आगे बढ़ने का तनाव है, कई तरह की चुनौतियां हैं, तो कैसे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें, इस पर भी हम बात करेंगे। इस विषय के प्रति जागरूक हो सके, साइबर अवेयरनेस हम में आ सके। श्रीमान चतुर्वेदी जी एवं प्यारे विद्यार्थियों, इन ऐप परचेजेस होते हैं गेम में, है ना? आप सभी ध्यान से सुनना इसके बारे में। इन ऐप परचेजेस होते हैं, हम गेम खेलते हैं, उसमें बोलते हैं कि भाई ये लेवल आप तक ठीक है, इसके आगे अगर आपको खेलना है तो आपको कंडीशन लगा देंगे। कई जगह वो कंडीशन क्या होगी कि आप उस गेम को खेल के कोई पर्टिकुलर लेवल क्रॉस कर लें तब आप नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, तो आपको नए चीजें मिल जाएंगी उसमें, होता है ना सर? ये सब एडिक्शन है, टोटल प्योर एडिक्शन। किस लिए? क्योंकि आप उसके आदी हो जाए। आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ भाई ये अच्छा है, मेरे पास तो ये एसेसरीज हैं, मेरे पास ये वेपन्स आ गए हैं, तुम्हारे पास तो अभी एकदम बेसिक है, मैं एडवांस वर्जन में चल रहा हूं। बोला अच्छा, अभी तो मुझे एडवांस वर्जन तक जाना है। अब लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्रेंड तो ज्यादा देर खेलता है, यहां पे मम्मी पापा ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कुछ सोच के, लेकिन क्या किया है, शॉर्टकट्स। बोला अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर मैं इतने पैसे पे कर देता हूं तो हो जाएगा। अभी क्या है, फोन में ओटीपी वगैरह सब उसी मोबाइल पे आ रहा है। गूगल पे वगैरह यूज करते हो अभी से? तो क्या होता है, इन ऐप परचेज के लिए अगर आपने एक बार उसको परमिशन ली है, उसमें अपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं, अपने कार्ड की डिटेल्स डाली हैं, तो वो कार्ड की डिटेल्स हमेशा के लिए हो जाती है वहां पे। अब आप उसका प्रयोग कर रहे हैं या बैकग्राउंड में कोई और प्रयोग कर रहा है, इस बात को एसर्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहीं पर हमारी छोटी छोटी खामियां आती हैं। और आपको एक रैनसमवेयर के बारे में सुना है? रैनसमवेयर के बारे में किसने किसने सुना है? ओके, 2017 में एक वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़ा अटैक हुआ था रैनसमवेयर का। रैनसम तो पता है ना, फिरौती मांगना, किसी को किडनैप कर लिया है, उसके बाद बोला भैया ये वापस चाहिए तो मुझे पैसे दे दो, यही होता है ना रैनसम। अब क्या किया, अभी हमारा सारा डाटा जो है हमारे कंप्यूटर्स में है, कंप्यूटर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सारा का सारा डेटाबेस का खेल है। तो रैनसमवेयर में क्या हुआ कि लोगों के, बड़ी बड़ी कंपनियों के, इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स के भी कंप्यूटर्स पे अटैक किया गया, और एक ऐसा वायरस बनाया गया जो विंडोज की वल्नरेबिलिटी को यूज करता है। एक बार आपके कंप्यूटर में वो पहुंच गया तो आपके सारे डाटा को जो है वो इनक्रिप्ट कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, और बोलेगा कि भाई अगर आपको इसको डिक्रिप्ट करना है, आपके डेटा उतने ही जीबी है, डेटा का वॉल्यूम साइज सेम है लेकिन वो इनक्रिप्ट हो गया है, किसी भी एप्लीकेशन से वो ओपन नहीं होगा। फिर आपको वो बोलेगा इसकी एंटीडोट देखते हो ना, एंटीडोट है ना, तो वो बोलेगा अगर इसका डिक्रिप्शन चाहिए तो उन कीज के लिए मेरे अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दो, है? और वो अगर आपने जमा कर दिए तो आपको डाटा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जिसको फिरौती दे रहे हैं ना तो आप उसको जानते हैं, ना बाद में ये कह सकते हैं कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे अब मुझे पैसे दे दो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन तो हो नहीं रहा उसके साथ में, है ना? अभी देखो, अभी एग्जाम्पल बताता हूं इसमें क्या क्या हुआ था। कॉलोनियल पाइपलाइन
मैं यूएस की, ये 2021 का, मैं 2017 के बारे में बता रहा था ना, 2017 में आया था, और अभी जब सब सोच ये सोच के बैठे हुए थे कि अब ये खत्म हो चुका है, हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो पूरी तरह से पैच हो चुके हैं, रैंसमवेयर के हमने पैचेस डाल दिए, अब हमें कोई खतरा नहीं है, जब ये सोच लिया, उसके बाद 2021 में जो कॉलोनियल पाइपलाइन के उसमें पूरी कंपनी में रैंसमवेयर अटैक हुआ था, कॉलोनियल पाइपलाइन का क्या है कि यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है जहां गैस जो है, हमारे यहां सिलेंडर चलते हैं ना, अभी कई कई शहरों में अभी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन चलनी शुरू हो रही है ना, तो यूएस में पूरी जगह गैस पाइपलाइन से, वहीं से गैस सप्लाई होती है, उसने उस कंपनी को ही हैक कर लिया और बोला भाई अगर आपको अपना पूरा ये डाटा चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ आए हुए, वो कुछ भी यूज नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, पैनिक मचा, क्यों, क्योंकि यूजर्स हैं, डेली बेसिस का काम है, आज का यूजर जो है वो अब एक दिन खाना नहीं बनेगा घर पे तो क्या होगा, तो ये तो कर नहीं सकते कि गैस पाइपलाइन बंद कर दे, नहीं कर सकते ना, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा कि कहां पे कितने गैस सप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट बोलेगी भाई पाइप गैस की सप्लाई बंद नहीं करनी है, फिर उनको कंटिन्यूस वो गैस सप्लाई करनी है, जिसका कोई रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं रहेगा, किससे कितने पैसे लेंगे नहीं मांग सकते ना, तो अब ये फंस गए और $4.4 मिलियन इनको पे करना पड़ा, $4.4 मिलियन यूएस जैसी एडवांस कंट्री के एकदम जायंट उस कंपनी को पे करना पड़ा। उसके बाद इनके पास एक जेबीएस फूड्स है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीट पैकर्स है, इन्होंने अब तक का सबसे बड़ा रैंसमवेयर अमाउंट पे किया है $11 मिलियन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे बिटकॉइंस के फॉर्म में देते हैं। बिटकॉइंस पता है, ये देखो ये है एडवांस बच्चे, बिटकॉइंस, बिटकॉइंस के मोड में ये ट्रांसफर होता है, तो उसको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गेमिंग इन ऐप परचेजेस के बारे में तो आप समझ गए कि उसमें किस तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, एक झटके में आपके अकाउंट से सारे पैसे चले जाएंगे और वापस आने का कोई मोड नहीं है। अभी हाल ही में एक पेपर में आया था न्यूज़पेपर में, जिसमें बच्चे ने इन ऐप परचेजेस किए, उसके लिए पापा को अपनी कार बेचनी पड़ी थी। आप लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना, देखो नई कार खरीदवाना चाहते हैं पापा से, बोले पुरानी कार बेच देंगे तभी नहीं आएगी। तो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग ऑनलाइन एप्स। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में अभी कवर किया था। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी 1964 में आई थी, जब सोशल नेटवर्किंग और ये जो ऑनलाइन का कोई जमाना नहीं था। उस टाइम आइडेंटिटी थेफ्ट क्या थी, भाई मैं हूं, मुझे पता है कि मैं माधवेंद्र चतुर्वेदी हूं, ठीक है, बैंक, सारा शहर, सारा देश मुझे नहीं जानता है ना, मेरी आइडेंटिटी के नाम पे बैंक में कोई और गया, उसने उससे लोन ले लिया, मेरा एड्रेस दे दिया, अंगूठा साइन जो भी करना है कर लिया। अभी उसके बाद जिसने ऐसा काम किया है, नेचुरल सी बात है, वो बैंक की किश्तें, लोन की किश्तें चुकाने के लिए तो नहीं किया होगा, अब बैंक किसको पकड़ेगी, मुझे पकड़ेगी, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, इससे मुझे को नुकसान इसी तरीके से हो ये जरूरी नहीं है, ये तो फाइनेंशियल लॉस का केस हो गया। अभी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो हमारी आइडेंटिटी को यूज करके एक सिम ले लिया, दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी थेफ्ट, है ना, हमारी आइडेंटिटी, हमारे ईमेल को हैक कर लिया, हमारे नाम से किसी को कोई मेल भेज रहा है, तो किसके क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं, हमारे जा रहे हैं। तो कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह का होता है तो उसमें जब ट्रेस करते हैं तो ओरिजिनल जो कल्प्रिट होता है वो नहीं पकड़ा जाता, बल्कि इनोसेंट पीपल जिसको ये पता भी नहीं होता कि उसके अकाउंट से ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो पकड़ा जाता है। तीसरा सबसे बड़ी चीज है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है, अभी मुझे बहुत खाने का मन करता है, मैं जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ खाते रहता हूं, तो एक ग्रुप बना लिया जिसमें मेरे ही फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी नहीं बनती है या जबरदस्ती वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो सामने बोलने पे तो क्या है, कंप्लेन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वो साइबर में आपके ग्रुप में रह के आपको ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे, मोटू बोलेंगे, ये देखो भुक्खड़ आ गया, है ना, उससे क्या होगा कि इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों, साइबर बुलिंग के केसेस में आज भी केवल इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड में
सिर्फ 83% पेरेंट्स को पता नहीं है कि उनके बच्चे के साथ में साइबर बुलिंग हो रही है, और ये कब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप लोग उस चीज को शेयर नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी इस तरह की कोई भी चीज आपके सामने आती है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्योंकि ये डिप्रेशन उस लेवल तक जा सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग में आपकी बहुत सारी डिटेल्स चेक पे रहती है, जो आइडेंटिटी थेफ्ट है ना, उसका बहुत बड़ा कारण सोशल नेटवर्किंग है। क्यों भाई, अगले को डिटेल्स कहां से मिल रही है? मैं बता रहा हूं कि मेरा बर्थडे है भाई, अरे मेरा बर्थडे है, मैं दुनिया को किस लिए बता रहा हूं, मुझे विश करो आगे, है ना? अपने फ्रेंड्स को बता रहे तब तक भी ठीक है, लेकिन हम प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान नहीं देते। प्राइवेसी सेटिंग्स, हर एप्लीकेशन में प्राइवेसी सेटिंग्स है, उसमें परमिशन है, लेकिन एक चीज होती है डिफॉल्ट परमिशन। डिफॉल्ट परमिशन में वो मैक्सिमम चीजों को अलाउ करके रखता है, तो हमें उन सेटिंग्स में अपने हिसाब से प्राइवेसी पर्सनलाइज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमारे पास सोशल नेटवर्किंग के लिए कोई भी साइट है, उसमें हम कुछ चीजों का ध्यान रख सकते हैं, जिसमें आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, हमारा मोबाइल जो है वो क्रैश हो गया, दूसरा मोबाइल लिया हमने, अपनी सेव आईडी पे लॉग इन किया, पुराने डाटा हमें मिल गए, तो हम बहुत खुश होते हैं, चलो देखो मेरी वो फोटोज थी, इतनी इंपॉर्टेंट फोटोज थी, वो मिल गई, है ना? हुआ है? अभी ये सारी चीजें फेस नहीं की होंगी, धीरे धीरे फेस कर लोगे, क्योंकि अभी तो मोबाइल जाता है तो पुराने डाटा से ज्यादा मतलब तो है नहीं, है ना? लेकिन यही चीज जो है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। इसका क्या मतलब है कि एक बार हमने जो पोस्ट कर दिया, एक बार जो हमने अपलोड कर दिया, वो हमारे डिलीट करने से, हमारे पीसी से या हमारे मोबाइल से डिलीट करने से, नेट से डिलीट नहीं हो रहा है, वो फॉरएवर वहां पे पड़ा हुआ है हमारा डाटा। हमने अपनी डिटेल्स दी, वो वहां पे हमेशा के लिए स्टोर है उनके सर्वर पे। और ये अटैकर्स जो है वो हमेशा हमसे आपसे पूछ के नहीं लेते, वो सीधे सीधे सर्वर्स को हैक करते हैं, जिसमें आपका डेटाबेस है, आपकी सारी जानकारी वहां पे एकत्रित है ना? तो हमें क्या शेयर करना है, क्या पोस्ट शेयर करना है, क्या अपनी डिटेल शेयर करनी है, बेयर मिनिमम डिटेल शेयर करनी चाहिए, ठीक है? दूसरा क्या है, स्ट्रेंजर्स फ्रेंड लिस्ट में बी वेरी वेरी चूजी, जिसे आप पर्सनली जानते हैं उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, अपने ग्रुप में उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए। और अगर इस तरह की कोई भी चीज आपको ऑब्जर्व होती है जो नॉर्मल नहीं है, प्लीज उसको अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर करें, अपने टीचर्स को बताएं। और नेटिकेट क्या होता है? एटिकेट्स जो होते हैं इंटरनेट पे, जो हम यूज करते हैं, जो एटिकेट्स फॉलो करते हैं, उन्हीं को नेटिकेट टर्मिनोलॉजी दी गई। नेटिकेट में क्या है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो मिस इंटरप्रेट ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि मेरा इंटेंशन खराब हो, लेकिन अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रहा हूं, मैंने कुछ ऐसा बोला जो आपने मिसअंडरस्टैंड किया, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं। नेट पे मैंने कुछ पोस्ट कर दिया है ना, और उस चीज का मतलब कुछ और इंटरप्रेट हो रहा है, अगर उसका कुछ और इंटरप्रेट हो रहा है और उसमें बहुत सारे आपको मैसेजेस आने लग जाएंगे, फिर आप क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे। तो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल कि नेट पे आपको क्या पोस्ट करना है, नेट पे किस तरह की भाषा का उपयोग करना है, और क्या अपलोड करना है, कौन सी चीजें आपको शेयर करनी है, पर्सनलाइज सेटिंग्स, इन सब चीजों का खास ख्याल रखिए। नेट इंटरनेट आज की जिंदगी की जरूरत है, इसके बिना हम जिंदगी कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना? लेकिन अपनी सुरक्षा भी हमारे ही हाथ में, तो हम अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रहें। जय हिंद। दायक बनाए, इसी बात पर चर्चा करने के लिए, कैसे आप विद्यार्थियों के तनाव को कम किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर राम गोपाल जी, जो मैंने कहा साइकेट्रिस्ट है, साइको कंसल्ट एक्सपर्ट है। तो स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ राम गोपाल। अभिनंदन करता हूँ, परम पिता परमात्मा की करते स्तुति, हृदय से आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। तो सभी बच्चों को नमस्कार, और आज के दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रमुख में क्या है कि हमारे एसएमओ मैडम और प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सभी बच्चों से मिलने का मुझे मौका दिया है, और खास करके वो अवसर जिससे क्या है कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है,
तो आप सभी बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं, उन सभी से इस पे हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या होता है, हम स्वस्थ किसको बोलेंगे, कोई बता सकता है? स्वस्थ व्यक्ति हम किसको बोलेंगे? कोई भी बच्चा? वेरी गुड, तालियां हो जाएंगी, बहुत बढ़िया। उन्होंने बताया कि जो शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो स्वस्थ है उसको हम स्वस्थ बोलेंगे। बहुत अच्छी चीज बताई इन्होंने, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है कि हमारे जो बाकी स्वास्थ्य हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते। वो बोलते हैं कि जो फिजिकली फिट है, जिसको कोई रोग नहीं है, वो क्या है कि स्वस्थ है। लेकिन क्या है कि जो मानसिक तौर पे अगर बीमार है तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त है, तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। इसके अलावा उन्होंने बच्चे में बात की कि सामाजिक रूप से देखो, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक तौर पे स्वस्थ है, लेकिन क्या है कि एक अच्छा है, उसका सामाजिक दायरा नहीं है, अच्छे दोस्त नहीं है जिनसे वो बातचीत कर सके, पेरेंट्स के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसका मतलब वो सामाजिक रूप से बीमार है। चौथे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है हमारा सांवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे छोटी सी बात कुछ हो गई तो उस पर क्या है कि रोना धोना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं छोटा सा हल्की सी बात हुई बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब वो इमोशनली बीमार है, और इस चीज के लिए उनको सलाह की जरूरत है, उचित परामर्श की जरूरत है। फिर पांचवें स्वास्थ्य की अगर हम बात करें वो होता है स्पिरिचुअली, अगर आध्यात्मिक रूप से, जिसमें क्या है कि देखिए हम शारीरिक मानसिक सांवेगिक सब तरह से स्वस्थ है, लेकिन क्या है कि विचारों का जुमला, तरह तरह के विचार हमें परेशान करते रहते हैं, नींद वगैरह ढंग से ना आने के कारण क्या है कि हमारी कॉस्मिक एनर्जी का लेवल जो कम हो गया है, उसकी वजह से हम क्या है कि आध्यात्मिक तौर पर मतलब स्पिरिचुअली हम बीमार हो जाते हैं। तो इन सभी प्रकार के स्वास्थ्य का एक मिला जुला कि हम क्या ऐसा करें कि हम सभी जो एस्पेक्ट है हमारे स्वास्थ्य के, इन पे खरा उतरे और हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी छवि बनाएं, उस पे हम लोग जो है बातचीत करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं होता है ना, वो क्या है कि अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं काट ही रहा होता है। तो कहते हैं ना कि पानी और पसीने में बड़ा फर्क होता है, पत्थर और नगीने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी को थोड़ा सा गहराई से जान के देखिए तो पता चलता है कि जिंदगी जीने और जिंदगी काटने में बड़ा फर्क होता है। वास्तव में होता है ऐसा? तो हमने क्या है कि अपनी जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को अपना नजरिया जो है वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और नजरिए के साथ साथ हमें क्या है कि हमें जो संगति होती है, हमारा जो लोग, जिन लोगों के बीच में हम जो रहते हैं, वो लोग भी जो है वो सकारात्मक विचारधारा वाले ही होने चाहिए। वो कहते हैं ना, हर दीन दुखी मन में उमंग तुम्हें भरनी है, हर आशाहीन हृदय में तरंग तुम्हें भरनी है, महाभारत हर युग की अटल कहानी है, बन के अर्जुन सच्चाई की जंग तुम्हें लड़नी है। तो देखो, अपने इस जीवन रूपी जंग में आप सफल होंगे या असफल होंगे, ये काफी हद तक निर्भर इस बात पे करता है कि आपका सारथी कौन है, कृष्ण है या शकुनी है, मतलब आपके दोस्त किस प्रकार के। तो हमारा सारथी किस जैसा होना चाहिए? कृष्ण जैसा है तो हम जिंदगी में कभी भी हार सकते हैं। और मेरे हिसाब से हमारे सबसे अच्छे सारथी या जिंदगी में हमारे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई हो सकते हैं तो वो हमारे माता पिता और हमारे अध्यापक हो सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें अपने जिंदगी में अच्छे मार्गदर्शन के लिए ही गाइड करते रहेंगे, अच्छा ही हमेशा बोलेंगे, कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। तो प्रत्येक बात अपने अध्यापक से, जिस पे भी आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, या कम से कम अपने माता पिता से आप जरूर साझा करें किसी प्रकार, क्योंकि वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे। उससे अच्छा साथी आपको कोई नहीं मिल सकता। हो सकता है अच्छे दोस्त भी मिले उनको भी, लेकिन उनको प्राथमिकता तौर पे लेके हमने चलना है। सकारात्मक लोगों के बीच रहना है, और इसके साथ साथ एक चीज और भी आ जाती है कि नकारात्मक लोगों से दूर भी रहना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे कि आपको गलत रास्ते पे भी लेके जाएंगे कि यार कोई बड़ी बात नहीं, दो सुट्टे मार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा? बहुत से लोग तो ये बोलते हैं कि यार कोरोना भी खत्म हो जाता है, मतलब ये झूठी बातें फैला रहे हैं ना। तो इस प्रकार के लोग जो है बहुत मिलेंगे। इसके लिए एक मेरे परम मित्र वो एक शेर सुनाते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो देखो, एक छोटी सी चीज और, क्योंकि समय मैंने आपका काफी ले लिया है, ठीक है, एक चीज मैं बताता हूँ कि हमेशा बच्चों के है कि हंसते मुस्कुराते जो है वो हमें रहना चाहिए। ठीक है,
हंसना मुस्कुराना बहुत ही जो है वो जरूरी है। और इसके ऊपर भी क्या है कि एक शोध भी जो है हुए थे 2001 के अंदर, क्या है कि एक ना सर्वे सामने आई थी, उसमें ये पाया गया कि मुंह का लकवा मार जाने वाले जो लोग हैं ना उनकी तादाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो जाना गया कि यार इसका कारण क्या है, मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हो रहा है तो बहुत से जो बुद्धिजीवी जो लोग थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए और कहा भी इसका ये कारण है ये कारण है। कुछ लोग क्या है कि इस प्रकार के पहुंचे, देखो इसका सबसे बड़ा कारण कोई है तो ये है कि लोगों ने क्या है कि मुस्कुराना बंद कर दिया है। वो सोचा यार ये भी कोई कारण हो सकता है, वो भी इस चीज के लिए फैक्ट दो, कोई ना कोई तथ्य दो फिर हम मानेंगे। तो उन्हें कहा कि देखो एक प्रकृति का एक नियम होता है भी जिस वस्तु का या जिस अंग का जिसका भी प्रयोग हम ज्यादा करेंगे उसमें क्या है कि वृद्धि या विकास होता चला जाता है, और जिसका नहीं करेंगे उसमें कटौती या फिर कमी आनी शुरू हो जाती है। जैसे पहले जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से ज्यादा कामकाज किया करते थे इसलिए शारीरिक रूप से ज्यादा बलवान थे, लेकिन अभी क्या है कि शारीरिक रूप से काम करना कम शुरू कर दिया तो इसलिए शारीरिक रूप से दुबले पतले हो गए, मतलब वैसे पेट जरूर आगे आ गया है शारीरिक बल की कमी आ गई, मेन मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा क्या है कि पहले क्या है कि मानसिक तौर पे लोग जो है भोले भाले हुआ करते थे, ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया करते थे, इसीलिए तो क्या है कि अंग्रेज हम पे शासन करके वरना उनकी क्या मजा, भोलेपन का नजायज फायदा तो उठा गए ना वो। लेकिन आज का क्या है कि हर बच्चा अपने आप में आइंस्टाइन है। अगर मैं सोचूं कि मैं क्या है कि 10th क्लास के बच्चे का सिलेबस करवा दूं, हो सकता है कि मैं ना करवा पाऊं, क्योंकि आप सभी जो बच्चे हैं मानसिक तौर पे ज्यादा काम करते हैं इसलिए मानसिक तौर पे ज्यादा परिपक्व है, ज्यादा विकास आपका जो हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान भी सोचता है कि यार मतलब देखो इस बंदे को मैंने बनाया है, ये इसकी जो स्माइल बनाई है वो मुस्कुराने के लिए दी है, और ये बंदा मुस्कुरा ही नहीं रहा है, इसका यूज ही नहीं कर रहा है, क्यों ना इस पार्ट को ही साइलेंट कर दें, ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए क्या है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहा करो। तो इसके ऊपर मैं लास्ट में दो पंक्तियां जो सुनाना चाहूंगा कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है बस जीने की चाहत होनी चाहिए, सारे गम अपने आप खुशियों में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, बस मुस्कुराने चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर निधि सिंह का, जो SMO SMC से हमारे बीच पधारे हैं। मैम का स्वागत है और हम चाहेंगे कि मैडम का मार्गदर्शन भी आज की सुबह हमारे विद्यार्थियों को और हम सबको मिले। मैम निधि सिंह प्लीज। जय हिंद बच्चे लोग, कैसे हैं सब लोग? मैम बहुत थके हुए हैं, काले हो गए हैं, प्यास लग रही है, परेशान हो चुके, छोड़ दीजिए। राइट, गुड, छोड़ देते हैं, डोंट वरी, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। जो आज का आपको ये लेक्चर दिया है अबाउट मेंटल हेल्थ, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों थी? इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए थी बिकॉज आप लोग जो अभी जिस एज के अंदर हो वो आपकी ग्रोइंग एज है, इसमें जो चीजें आप सीखोगे, जिन चीजों को अपनी हैबिट्स बनाओगे, दे आर गोइंग टू लास्ट विद यू फॉर अ लाइफ टाइम। अभी कोई बच्चा अगर सुबह मॉर्निंग वॉक की हैबिट बनाएगा, इट इज गोइंग टू बी विद हिम फॉर हिज एंटायर लाइफ। तो जो भी आप अपना फिजिकल और मेंटल अपने आप को फीड कर रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू बिल्ड इनटू योर कैरेक्टर हेंसफोर्थ फॉर ऑल द कमिंग इयर्स इन लाइफ टू गो। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। सो व्हेन इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ, देयर आर मेनी पीपल हु आर अवर गुरुज एंड ट्रेनर्स। बहुत सारी जिम्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं टू गाइड यू व्हाट टू डू अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। बट अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी डू नॉट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, वी डू नॉट टॉक अबाउट इश्यूज विच अफेक्ट अ चाइल्ड साइकी। And the most important things like anxiety, depression, suicidal tendencies, these things are increasing in this population of the country. So if anybody is having any issues, we are always there to help you. Talking about a problem is a solution to the problem. Do not keep it to yourself. There are cases when because of some issues in family, माँ बाप की लड़ाई हो रही है, बच्चे की पढ़ाई पे असर आ रहा है। टीचर को नहीं पता है कि माँ बाप की लड़ाई की वजह से बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ही और शी इज ओनली फोकस्ड कि बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, डिट्योरेट हो रहा है, और उसको और पनिशमेंट दिया जाएगा बच्चे को। पनिशमेंट से उसकी और दिमाग की हालत खराब होगी, वो और खराब परफॉर्म करेगा। सो दिस बिकम्स लाइक अ विशियस साइकिल। सो एज टीचर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हैव एन इंटरेक्शन विद द किड्स। दे आर नॉट रोबोट्स और मशीन्स, दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स। Their mind will affect their performance, and that happens with every person. Let me tell you this thing, not just for students, even for sportsmen. I was working for last 4.5 years with sports, and in sportsmen, it is always their mind which is going to affect their performance. उसको अगर एक दिन पहले कोई खराब news मिली है, एक दिन पहले उसका अपना झगड़ा हुआ है, तो उसकी performance खराब होगी. So with teachers, the responsibility is even more that you are the first responders, first identifiers कि इस बच्चे के साथ कुछ तो problem है. बच्चे की शक्ल से पता चल जाता है।
अ किड इज नॉट गोइंग टू रेज हिज हैंड इन 50 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड टेल यू कि मैडम मेरा परफॉर्मेंस इसलिए खराब हुआ बिकॉज कल रात को मेरी मदर और मेरे फादर का झगड़ा हुआ है या बिकॉज माई फादर इज कमिंग होम लेट फ्रॉम ऑफिस और बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड वर्क आवर्स सो प्लीज हैव एन इंटरेक्टिव सेशन विद द किड्स दिस मेंटल हेल्थ इज नॉट समथिंग विच इज अ डॉक्टर्स और अ साइकेट्रिस्ट और अ काउंसलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इट स्टार्ट्स विद यू बिकॉज यू आर मोर मेच्योर देन द किड्स दैट यू आर डीलिंग विद सो प्लीज आइडेंटिफाई दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स हियर स्पेशली द प्रिंसिपल सर दैट प्लीज मेक इट अ पॉइंट दैट यू टॉक टू योर टीचर्स नॉट जस्ट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ योर किड्स इन द टेस्ट बट ऑल्सो हाउ दे आर डूइंग मेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू बी हैप्पी इन लाइफ बट हैप्पीनेस डज नॉट मीन उसको मारने से मुझे खुशी मिलती है तो मैं उसको मारता हूँ आज बी कंटेंट बी सेटिस्फाइड बी हैप्पी डू योर ड्यूटीज वेल दैट्स ऑल इट टेक्स एंड इफ देर इज एनी प्रॉब्लम प्लीज टॉक टू योर टीचर्स टॉक टू योर पेरेंट्स टॉक टू योर फ्रेंड्स दिल एडवाइस यू वेल एंड इफ देर एडवाइस इज नॉट सूटिंग यू वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आई एम श्योर दिस लेक्चर इज गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट मेंटल हेल्थ इट इज ऑलवेज माइंड ओवर द बॉडी आपका दिमाग अगर बोलेगा ना मैं ये काम कर सकता हूँ आप में अगर फिजिकल एबिलिटी नहीं भी होगी तो भी आप कर दोगे और आपका दिमाग अगर ये बोलेगा ना कि ये काम मेरे बस का नहीं है इवन इफ यू विल हैव द एबिलिटी यू विल नॉट बी एबल टू डू इट एंड ट्रस्ट मी इट हैपन्स ऑल द टाइम सो विद दिस आई फिनिश माई लेक्चर माई कंक्लूडिंग लाइन इज बेसिकली दिस ओनली कि मेंटल हेल्थ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ अस इट इज नॉट जस्ट You as a person, not just your teacher, not just your parents, each and everybody of society is responsible for the mental health of our kids. And spend some time with yourself also. Spend some time with the people who gives you positive vibes because they are going to help you grow in life. And ultimately what is the most important thing to do in life is to be happy. So thank you so much. Wish you all the best in your future endeavors. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधि मैम का निश्चय ही मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा विषय है और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं हो सकती मन का सारा खेल है बच्चों मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मैं मनोदर्पण की बात करता हूं और साइबर अवेयरनेस की बात करता हूं दोनों इंटर रिलेट कैसे दर्पण का मीनिंग समझते हैं दर्पण में क्या करते हैं दर्पण समझते हैं ना मिरर आईना जिसमें हम अपना अक्ष ढूंढते हैं जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं जिसमें हम अपने आप को सवारते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा हूं मैंने अच्छे से कंघी किया नहीं किया है मुझ पे कपड़े अच्छे लग रहे हैं ड्रेस अच्छी लग रही है और मैं सबसे हटके लग रहा हूं होता है ना ऐसा दर्पण के सामने जब भी जाते तब ऐसा ही होता है हर व्यक्ति और वो आनी भी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुपम और अनूठा है वो अद्भुत है अपने आप में इस परम पिता परमात्मा ने ऐसी रचना की है ये मानव की जो रचना है वो ऐसी अद्भुत है कि आपके फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलते किसी से और वर्षों तक नहीं मिलते तो जो मनोदर्पण की बात है मन का दर्पण आपके ऊपर कौन नजर रख रहा है ये आपकी नजर में भी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ साइबर की नजर में अब एडिक्शन जो है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है हमें किसी की भी लत लग सकती है अच्छी लत बुरी लत और जब बुरी लत लगती है तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है और एक लत जो हमें दिखाई देती है उसका तो उपचार हो सकता है हम किसी प्रकार से ड्रग एडिक्टेड हैं तो उस ड्रग्स को बंद कर सकते हैं घर वाले उस पर लगाम लगा सकते हैं लेकिन अगर हम मानसिक रूप से किसी प्रकार का नशा लग गया किसी लत लग गई तो उसको हम छुड़ा नहीं सकते वो हमारी स्थिति जो मैंने पहले बताई थी ये आपके डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर आपके मन के ऊपर कि आप कितनी लगाम उन घोड़ों पे लगाएंगे जो दौड़ रहे हैं अनियंत्रित होकर वो आपने सोचना है बुद्धा ने कहा मैडम ने दोहराया और मैं भी कहना चाहूंगा कि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे और
अगर हम गलत सोचेंगे तो गलत विचार उत्पन्न होंगे। तो हमें गलत विचारों को दबाना है, दबाना नहीं है, उसका निदान करना है। इस देश की तरक्की, इस देश का स्वास्थ्य, इस देश का विकास आपकी तरक्की, आपके स्वास्थ्य और आपके विकास से जुड़ा हुआ है। जय हिंद, जय किसान। बहुत धन्यवाद माननीय प्राचार्य महोदय जी का। देश की तरक्की, आपकी तरक्की, आपकी तरक्की, देश की तरक्की। और स्वास्थ्य वो पैरामीटर है जो तय करता है कि भविष्य देश का कैसा होने वाला है। तो उत्तम स्वास्थ्य, जैसा बहुत प्राचीन समय से कहा गया है, पहला सुख क्या? पहला सुख क्या? निरोगी काया। मालूम ही नहीं, एक दो बच्चे आवाज बोले, पहला सुख निरोगी काया। ये कोई आज का मंत्र नहीं है, सनातन मंत्र है, अति प्राचीन मंत्र है। और इसमें शारीरिक और मानसिक सभी तरह का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, इस पर ध्यान देंगे निश्चय ही। सर कह रहे थे आज की सुबह बहुत आनंददायक, बहुत प्रेरणादायक और बहुत उपयोगी रही, सार्थक रही, फ्रूटफुल रही। उम्मीद करता हूँ हम इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित करते रहेंगे, इस तरह के खास मेहमान हमारे बीच आते रहेंगे, हमारे मंच को सुशोभित करते रहेंगे। मैं हमारे आज के दोनों खास मेहमानों और उनसे पहले सुबह जो चतुर्वेदी सर थे, उन तीनों का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।